बेरोजगारी का आलम इस कदर हरियाणा में बढ़ रहा है कि आए दिन विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहा है। हरियाणा में 2023 में बेरोजगारी दर 5.2% था, लेकिन ऐसी दुखद खबर हांसी से सामने आई जिसने सबको अचंभे में डाल दिया। दरअसल सरकारी नौकरी न मिलने से परेशान गांव जीतपुरा का रहने वाला 30 वर्षीय युवक मोनू यादव ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। 3 दिन पहले ही ग्रुप डी के रिजल्ट में मोनू का नंबर नहीं आया था, जिससे वो काफी आहत था। मोनू MSc का टॉपर था व बच्चों को कोचिंग देता था। उसके पढ़ाए हुए बच्चे तक सरकारी नौकरी में लग गए थे, लेकिन उसका नंबर नहीं आ रहा था। मोनू के पिता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनका बेटा मंगलवार को भिवानी जाने की बोलकर घर से निकला था। उन्होंने दोपहर को बेटे को फोन किया तो उसने 1 घंटे बाद घर पहुंचने की बात कही, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। इसके कुछ समय बाद पुलिस का फोन आया कि बेटे ने जहरीला पदार्थ निकल लिया है। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले ग्रुप डी की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें भी मोनू का नाम नहीं आया। मोनू के 72 नंबर आए थे। जांच अधिकारी विजय कुमार के मुताबिक किसी युवक के जहरीला पदार्थ खाने की सूचना उन्हें मिली तो वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान मोनू की मौत हो गई थी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। कल एक सूचना मिली थी कि मोनू सनोक धर्मवीर जाति अहीर वासी जीतपुरा, उन्होंने बताया कि भिवानी की तरफ गए हुए थे किसी काम को लेकर बाइक पे, तो उसके बाद में हमारे को सूचना मिली थाने में कि यहाँ डेड बॉडी रखी है और मौके पर पहुँचे। इस संबंध में हम मौके पर गए, उसके बाद में हॉस्पिटल लेकर आए। तो इतफाकिया से बता रहे इसके फादर जी को कि कोई स्टेटमेंट दी है, इतफाकिया ही स्टेटमेंट दी है। नहीं, स्टेटमेंट क्या दिया, कि किस वजह से, क्या मानसिक परेशानी चल रही थी? वो खुद मानसिक परेशान चल रहे थे। कोई डी ग्रुप सी ग्रुप के फॉर्म फॉर्म अप्लाई कर रखे थे उन्होंने, तो जो मिल नहीं गई थी पॉइजन दिया है, सुसाइड कर लिया। हाँ जी, तो क्या पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? हाँ जी, पोस्टमार्टम करवा दिया है। तो सब परिजनों को सौंप दे, लाश को हवाले परिजनों को सौंप दिया गया। सरकारी नौकरी न मिलने से परेशान मोनू ने जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। मोनू नौकरी के अलावा भी रोजगार के अन्य साधनों को अपना सकता था, लेकिन जिस समय से वो गुजर रहा था उसमें परिवार को भी मोनू को समझने की जरूरत थी। ऐसे समय में खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। मोनू की 2 बहनें और 1 भाई है। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।